एवरीवन, कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे जहाँ कहीं भी होंगे। और आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और टाइम 12:30 बज रहे हैं, देख सकते हैं और उस पर मैंने पर्दा लगा दिया, ये देखिए। और सारा काम हो गया मेरा, सारा काम कर ली और अपने लिए खिचड़ी बनाई हूँ, सारा काम कर लिया है, सारी सफाई ये देख सकते हैं। उस पर बाबू बैठा, देखिए ब्लॉग है गाइस, आप लोगों को पता है एवरीवन, ब्लॉग्स हैं, कभी घर साफ दिखेगा, कभी गंदा भी दिखेगा। मैंने बताया एक रूम है उसमें ही किचन है, उसमें अभी भी देखिए कुर्सी पे मैंने कंबल सुखाया है, कंबल सुखाया, ये अभी छत पे डाला हूँ, धूप निकली और देखिए सारा फर्श और सारा कुछ साफ कर रखा है मैंने। तो ब्लॉग है, कभी साफ भी दिखेगा घर, कभी गंदा भी दिखेगा, जो है आपके साथ है। और साफ तो हर कोई रखना चाहता है, पर एक रूम है तो हो जाता है कभी कभी, आप लोगों को मैंने बताई। और दो दो बच्चे हैं फिर स्कूल से लाना, और वो तो थोड़ा समेटो तब भी फैल ही जाता है, आपको पता है, मैंने पहले भी बताया। और बाबू अभी भी मैंने झाड़ू पोछा किया और फैलाने में लगा, बहुत ठंड है, तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, क्या करिए। मैंने आपको शुरू से स्टार्ट से बताया, एक रूम है, एक उसी में किचन है, उसी में सब कुछ है, चप्पल का रैंक भी हमें कमरे में ही रखना पड़ता है, तो आप समझ सकते हैं। मुझे पता है आप बुरा नहीं बोलते हो, पर मैंने आपको बताया एक रूम है, तो आप लोग थोड़ा सा वो कीजिए। मैंने सब कुछ भी नहीं छुपाया, सब बताया, अपनी रियल के साथ आई हूँ, ना कोई दिखावा, ना किसी झूठ के साथ, जो हूँ वो रियल लेके आई हूँ। और पता नहीं कुछ लोग तो मेरे हाथ धो के ही पीछे पड़ गए, वीडियो अपलोड हुआ नहीं कि डिसलाइक देने आ जाते हैं। अब आप लोग बोलो डिसलाइक लाइक से कुछ नहीं होता, हाँ कुछ नहीं होता है लाइक या डिसलाइक से, पर थोड़ा अभी इस लाइक नहीं हूँ ना कि लाइक डिसलाइक से, अब आप लोग लाइक और वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं, पर थोड़ा ना पीछे खींचता है हमें कि पता नहीं क्या ऐसा है जो डिसलाइक आते ही डिसलाइक दे दिया है। तो किसी को अच्छा नहीं करो तो बुरा भी मत करो, थोड़ा ना मन टूट जाता है डिसलाइक देख के, अजीब सा लगता है। और यहाँ पर मैंने कपड़े लगा रखे हैं, ये देख सकते हैं, और अभी जस्ट ये देखिए बर्तन ले धो के आई हूँ, तो बर्तन क्या, सारा झाड़ू पोछा सब किया है, सारा साफ है कमरा, आप लोग फिर दिखा देती हूँ, ये देखिए। और बेड पे बाबू खेल रहा है, बार बार बोल रही, एक रूम है आप लोगों को पता ही है, तब भी मैं बहुत साफ बहुत अच्छे से रखती हूँ, आपने सभी वीडियो में देखा ही है। बाबू ने चला दी है वीडियो के टीवी चला दी है, बस अब जाना है स्कूल। और प्लीज़ मत करो ऐसे डिसलाइक, मत दो, अभी डिसलाइक लाइक हूँ तब तो दो, तो मत पढ़ो किसी के पीछे, मत इतना परेशान करो। पता है मुझे पता है लाइक डिसलाइक से कुछ नहीं होता, पर ना मन में थोड़ा सा बुरा लगता है कि कोई हमें ऐसे कैसे वीडियो अपलोड की कि डिसलाइक दे दिया। ऐसे मत करो, किसी के मन को मन दुखाओ, उस लाइक हो उस ऊपर हो तो आप डिसलाइक दो समझ में आता है, पर अभी डिसलाइक मत दो। तो चलिए आज मैं 12:30 बजे से वीडियो स्टार्ट कर दी, देखते हैं शाम को क्या बनाते क्या नहीं। अभी तो खिचड़ी बनाई थी वो खाई है, और बाबू को रेडी करना और मुझे स्कूल जाना। तो एक रूम है तो गंदा भी रहेगा, साफ भी, गंदा कभी मैंने नहीं दिखाया, आप लोगों को पता ही है, नहीं दिखाती हूँ क्योंकि हमेशा मैं समेटती रहती हूँ, हमेशा मैं सफाई करती रहती हूँ। और फ्रिज वगैरह सभी देख सकते हैं, ये देखिए सभी में समेटती रहती हूँ और कुछ नहीं है। और ये वाले सॉक्स हैं, मैं बाबू को पहनाऊँगी स्कूल ले जाके, और धूप आई है धूप में। ये कंबल ये कल धोए थे मैंने, और ये पजामी ये कल धोई थी जो बारिश की वजह से, अब एक कमरे, अब यार बाहर तो फेंक नहीं सकते ना, एक रूम है तो फिर कमरे में ही सुखाएंगे ना। अब धूप निकली, कल धोए थे, कल सूखे नहीं, आप लोगों को सबको पता है इतनी धूप नहीं है जो कपड़े सूख पाए, तो कमरे में तो रखेंगे, बाहर तो निकाल नहीं देंगे। तो अब जा रही छत पर डाल दूँ फिर तय करके, और अलमारी में तय करके रख दूँगी, अब बाहर तो नहीं फेंक सकते ना, बच्चे कपड़े हैं सुखाने पड़े, अगर इनको तय करके गीला ही तय करके रख देंगे बदबू आ जाएगा ना। तो बस आप लोग समझिए एक रूम है तो थोड़ा तो एडजस्ट, आप लोग मेरे तरह मेरे जैसे हैं तो आप प्लीज़ थोड़ा बहुत एडजस्ट करिए। चलिए देखते हैं क्या बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं स्कूल से आ गई हूँ, और स्कूल से आके बच्चे के कपड़े वपड़े चेंज कर रही हूँ, बाबू खेलने में लगा है, आप लोग देख ही सकते हैं। और पैंट वगैरह ये सारा सामान उठा दूँगी, नहीं आप बोलेंगे घर फैला हुआ है आपका, तो कितना भी समेट लूँ। और छोटी भी है ये, मेरी 5 साल की है, बड़ी वाली कोई बड़ी नहीं है, इसको बस गर्म पजामे पहना दूँगी, फिर इसे ट्यूशन छोड़ने जाना है, खाना खिलाना है, बहुत सारा काम हो जाता है, ये नहीं थोड़ा बहुत ही है। और बहुत समेटती रहती हूँ, पूरे दिन में समेटती रहती हूँ, ऐसा नहीं समेटती नहीं हूँ, सारा काम समेटना होता है, और बहुत दिक्कत हो जाती है,
अभी जाना है ट्यूशन, जाना है ट्यूशन के लिए, ट्यूशन छोड़ के आना है, फिर जाके खाने की तैयारी करनी है। और देख रही हूँ देवू अपना बैग मुझसे ले रही है, क्योंकि उसने लंच नहीं खाया है, पता नहीं क्या इसलिए छुपा रही है, तो दिखा रही है पर लंच खा लिया है। तो बस बच्चों के साथ यही है। और यहाँ मैं बना रही हूँ सोया पालक की साग, और हमारे यूपी में कैसे बनता उस तरीका से, ना टमाटर ना कुछ, बस सादा सिंपल तरीके से इसको काट लेती हूँ। आधा ही काटूँगी, आधा रख लूँगी। और बाबू भी देख सकते खेल रहा है, क्योंकि वो रहती ही नहीं है, छोटा बच्चा नहीं रुकता, आपको भी पता होगा। तो ये देखिए इसको काट लेती हूँ, और अच्छे से काट के, काटने के बाद धोती हूँ मैं, पहले नहीं धोती हूँ। और पीछे से वॉइस आ रही होंगी तो आप इग्नोर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे किराएदार रहते हैं यहाँ पे, आपको पता ही है। तो बस इसे देख के अच्छे से काट लूँगी और इसे बनाऊँगी। पहले धो लो तो बाद में धो लो तो आपकी मर्जी है, पर मैं बाद में धोती हूँ। तो ऐसे काट लूँगी, सोया थोड़ा ही डालूँगी, ज़्यादा सोया डालेंगे ना तो महक ज़्यादा आ जाती है, तो थोड़ा बहुत ही सोया डालेंगे, जितना मुझे ज़रूर, क्योंकि सोए की महक बहुत ज़्यादा होती है, तो कम सोया डालूँगी और थोड़ा बहुत ही डालूँगी ये ऐसे। और पीछे बहुत लोग चिल्ला रहे हैं, क्योंकि मकान बहुत सारे किराएदार रहते हैं ना, इसलिए यार, और चिल्लाते ही पता नहीं क्यों है इतना, बहुत चिल्ला चेतन होती है, तो इसलिए एक आप लोग प्लीज़ इस पर भी बातें मत कीजिएगा, आपको पहले से ही बताया है। तो इसी तरह से मैं पालक वगैरह काट लूँगी और काटने के बाद धोऊँगी। और ये बहुत अच्छा, ये देखिए काट लिया, मैं धो के लेके आ गई हूँ, और इसको रख दूँगी उबलने के लिए। कुछ पानी थोड़ा सा ही डाला है, और इसको बाद में खूंटूँगी, खूंटे बिना साग नहीं मज़ा आता है, साग को खूंटने में ही आता है। और ये हरी मिर्ची डाल दी है मैंने, और इसमें 2-3 लहसुन डालूँगी, और बाद में भी लहसुन का तड़का दूँगी इसमें। तो ये देखिए इसको खूब खूदना, खूदे बिना साग में स्वाद नहीं आता है, साबित रह जाता है। और ये डाला मैंने बेसन का घोल, बिना बेसन के घोल के साग अच्छा नहीं बनता है, आपको पता होना चाहिए। ये देखिए तब बारीक हो गया, क्योंकि मैंने इसमें बहुत खूदा है। और इसमें डाली थोड़ी सी अदरक, और कुछ नहीं डालूँगी, बस नमक, और मिर्ची भी नहीं डालूँगी। ये सरसों के तेल में तड़का लगा रही हूँ, ये देखिए आप लोग देख सकते हैं। और लहसुन इसके लिए ज़्यादा, हरी मिर्ची और साबित मिर्ची से तड़का लगाऊंगी, तड़का ज़्यादा ज़रूरी है। और तड़का लगाते हुए ढक देना, ये देखिए। और हमारा साग हो गया है बनके रेडी, और इसको जल्दी से ढक देना, क्योंकि इसकी खुशबू ना निकल जाए। तो ये देखिए हमारा साग बनके हो गया रेडी, आप भी इस तरह से बनाइएगा, और लाइक ज़रूर कीजिएगा, आप भूल जाए।